हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज आप देख रहे हैं मेरे पास है चंद्रिका का आयुर्वेदिक सोप और इसका मैं आज रिव्यू करूंगी। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ये हैंडमेड सोप है और इट इज़ फॉर प्रॉब्लम फ्री एंड क्लियर स्किन। इसको आप एक नेचुरल सोप कह सकते हैं एज इट इज़ हैंडमेड और इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट हैं मैक्सिमम इंग्रेडिएंट्स आर हर्ब्स और कुछ चीज़ें हैं जो केमिकल हैं, लेकिन इतने कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल्स नहीं हैं जैसे कि हम दूसरे सोप्स में देखते हैं। इनफैक्ट हिमालय के सोप्स में भी देखते हैं कि जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, लेकिन अगर हम इसकी बात करें या हम बायोटिक के सोप की बात करें तो केमिकल्स जो हैं वो ना के बराबर हैं। बायोटिक में तो खैर बिल्कुल भी केमिकल नहीं होते, लेकिन हाँ, इसमें कुछ डाई यूज़ की गई हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिनको मैं केमिकल के नाम पर गिन सकती हूँ। ये जो सोप है इसमें कई सारे ऑयल्स हैं, जैसे कि यहाँ मेंशन भी है, ऑरेंज ऑयल है जो कि बैलेंस करता है ऑयल सेक्रेशन को, पचोली है विच प्रिवेंट्स डार्क स्पॉट्स, पाल्मा रोज़ा है विच कीप्स स्किन मॉइस्चराइज्ड, सिनेमन लीफ है जो कि रिमूव करता है ब्लेमिशेस को, वाइल्ड जिंजर विच एनहेंसेस स्किन टेक्सचर, सैंडलवुड जो कि एक्ने ट्रीट करता है, पिंपल्स को ट्रीट करता है, लाइम पील ऑयल ये डीप क्लेंस करता है और इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करता है। इसमें लिखा हुआ है चंद्रिका ट्रूली डिजर्व टू बी कॉल्ड द रियल आयुर्वेदिक सोप। चंद्रिका हैज़ डबल द कोकोनट ऑयल एंड 7 आयुर्वेदिक हर्ब दैट गिव्स यू प्रॉब्लम फ्री क्लियर स्किन विथ नेचुरल ग्रो। इन्होंने ये मेंशन किया है कि जो इसमें कोकोनट है वो डबल है, यानी कि किसी भी सोप के से अगर आप कंपेयर करेंगे तो उससे डबल अमाउंट में ही आपको इसमें कोकोनट मिलेगा। कोकोनट ऑयल हम सबको पता है कि ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, स्किन की लाइटनिंग में मदद करता है और स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और एक्निक और इन्फ्लामेशन को ट्रीट करता है। कुछ तो ऑयल्स यहाँ मेंशन किए गए हैं, उसके अलावा यहाँ इंग्रेडिएंट्स दिए गए हैं जिसमें लिखा है पाम ऑयल। पाम ऑयल जो होता है वो स्किन को मॉइस्चराइज करता है, एंटी एजिंग है और फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने में हेल्पफुल है। ग्लिसरिन मॉइस्चराइज करता है स्किन को, नेचुरल मॉइस्चराइज़र है। पैराफिन वैक्स सपल एंड सॉफ्ट बनाता है स्किन को, मॉइस्चराइज रखता है, डेड सेल को रिमूव करता है और पोर्स को ओपन रखता है। इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी नेचुरल है। देन इसमें कुछ दो कलरेंट्स हैं और कलरेंट्स ऑब्वियसली कलरेंट्स केमिकल में आते हैं। ये स्पेशल जो आप पैकिंग है ये विप्रो की तरफ से है, यानी कि विप्रो की फंडिंग से है और ये इनका जो बेस है वो कर्नाटका है, टुमकुर डिस्ट्रिक्ट। मेरा एक्सपीरियंस इस सोप के साथ काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी रिफ्रेशिंग सोप है। इस सोप में सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है, इट इज़ फॉर पीएच बैलेंस। ये आप देख रहे हैं इसकी हार्ड पेपर पैकिंग है और इस तरीके से इसमें इस पाउच में आता है और दिस इज़ द लोगो ऑफ द सोप। हेयर देर इज़ नो लोगो, इट इज़ ओवल इन शेप। इसको यूज़ करके देखिए, काफ़ी अच्छा सोप है, रिफ्रेशिंग है, स्किन पे कोई भी एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगा, स्किन काफ़ी सपल एंड सॉफ्ट रहती है, इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है और झाग जैसे बहुत ज़्यादा झाग नहीं लेकिन हाँ ठीक ठाक झाग आता है। नहाने के बाद आपको काफ़ी क्लीन और रिफ्रेशिंग लगेगा, बहुत देर तक इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो बॉडी पे रहती है। कोकोनट की काफ़ी प्रोमिनेंट स्मेल है, पचोली की काफ़ी प्रोमिनेंट स्मेल है, कहीं कहीं लाइम की और जिंजर की स्मेल आती है। दिस 75 ग्राम सोप और इसका प्राइस है 28 रुपीज़। इसकी शेल्फ लाइफ है 3 साल। फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लाके यूज़ कीजिए एंड एंजॉय कीजिए नेचुरल फ्रेग्रेंस को। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।